काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, और मोटिवेशन बहुत तरह की होती है। इंस्पिरेशन तो एक थॉट है, बट मोटिवेशन एक एक्शन होता है। तो अब बहुत सारी मोटिवेशन है, जैसे कि डर। अगर नॉर्मली आप भाग नहीं पाते, बट अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप बड़ी तेज़ भागोगे, है ना? तो डर एक मोटिवेशन है। अगर डेडलाइन हो काम की ऑफिस में, तो आप काम बड़े सतर्क होके करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उतनी डेट तक काम देना है। तो डर एक मोटिवेशन है। इसी तरह से और भी बहुत सारी मोटिवेशन है, जैसे कि इंसेंटिव। अगर आपको पता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो आप अच्छा काम करने की कोशिश करोगे, बेटर काम करने की। तो लेकिन जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन है बिलीफ। बिलीफ से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने फादर के साथ फुटबॉल खेलने आता था, और वो चाहता था कि उसे स्कूल की ए टीम में लिया जाए। और 4 दिन से वो बच्चा स्कूल में नहीं आया। रोज़ आता था और उसके फादर के साथ फादर बैठते थे और देखते थे उसका खेल एक सीट पे बैठ के। बट 4 दिन से वो बच्चा स्कूल में नहीं आया, और टीचर ने उसको टीम में नहीं जगह दी, बट साइड, जैसे वो होते हैं ना 12th, जो बाहर रखते हैं कुछ, मतलब एक सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों को, तो उसको उसमें जगह मिली, बट टीम में जगह नहीं मिली। तो वो वापस आया तो फाइनल था तब। तो उसने कोच को हाथ जोड़े कि मुझे खिला लो टीम में, क्योंकि एक प्लेयर घायल हो गया था और काफ़ी सारे लोग कैंडिडेट थे। तो लेकिन उसने कहा कि तुमसे बेटर कैंडिडेट मेरे पास हैं, जो स्पेयर लोग हैं उसमें, तो मैं तुमको टीम में जगह नहीं दे सकता। लेकिन उसने हाथ जोड़े, और बिलीफ उसको पूरा था कि अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करूँगा। तो कभी भी टीचर ने किसी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा था, मतलब इतना रिक्वेस्ट करते हुए। तो उसने उस बच्चे को खिला लिया, लेकिन उसने ये कहा कि मैं तुमसे बेटर प्लेयर्स को बाहर रख के तुम्हें जगह दे रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी बात की इज्जत रखनी पड़ेगी। तो और वो जब बच्चा खेला, तो वो इतना अच्छा खेला कि सारे गोल मतलब ऑलमोस्ट उसी ने किए, और उसकी टीम जो है वो जीत गई, और एक सुपरस्टार की तरह वो खेला और स्टार बन गया उस मैच का। तो जब टीचर उसके पास गया, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले इतना अच्छा कभी खेलते हुए नहीं देखा, और ना ही तुम इतना अच्छा कभी खेले भी हो मेरे सामने। तो ये चमत्कार आज कैसे हुआ? और उसने ये कहा कि मैं इतना अच्छा इसलिए खेला क्योंकि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। तो टीचर ने वो सीट देखी जहाँ पे उसका फादर बैठा होता था, तो उसने कहा वहाँ पे तो वो नहीं है। तो उसने फिर टीचर को बताया कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि मेरे पिताजी 4 दिन पहले उनका देहांत हो गया, और आज मैं खेलने आया हूँ तो वो मुझे देख रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अपना सबसे बेटर परफॉर्मेंस मैंने दी है। तो ये उसका एक बिलीफ था कि ऊपर से पिताजी उसे देख रहे हैं खेलते हुए। तो बिलीफ जो है ना, वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर हम किसी चीज़ पे बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? तो उस फेथ के लिए, उस बिलीफ के लिए, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो बिलीफ है। बहुत सारे मोटिवेशन है, बट बिलीफ इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन।